तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। देखिए मेरे पास TVS कंपनी का अपाची आरटीआर 160 बाइक है और ये BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है। और जिस चीज़ के बारे में अभी हम आपको बतलाने जा रहे हैं वो आपके TVS के सभी बाइक के लिए बहुत मोस्ट वीडियो होने वाला, बहुत पॉपुलर वीडियो होने वाला है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कस्टमर को आप देखे हुए कि बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं और बाइक का सर्विस नहीं करवाते हैं। सर्विस नहीं करवाते इससे बाइक में एक बार आप बीच में गैप भी दे सकते हैं सर्विस में, लेकिन आपको इंजन ऑयल प्रत्येक 3000 किलोमीटर पर चेंज करना है। तो इंजन ऑयल चेंज करते वक्त आपको इन 3-4 चीज़ों को फॉलो कर लेना है, नहीं तो आपका इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। सबसे पहले तो चलिए हम बाइक का इंजन ऑयल बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या स्टेप फॉलो करना है ये हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए मेरे पास 17 mm का गोटी रिंच है और यहाँ से बाइक का ये इंजन ऑयल हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक नट है, हम बाइक का तब तक इंजन ऑयल निकाल लेते हैं बाहर। जब भी इंजन ऑयल निकालते हैं बाइक से बाहर तो आप फ्रेश डिब्बी में इंजन ऑयल निकालिए। इंजन ऑयल देख रहे हैं बिल्कुल अभी ख़राब हो चुका है। जब तक बाइक का इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है तब तक आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से साइड पैनल लगा हुआ है, साइड पैनल में एक तो यहाँ पे स्क्रू लगा है, इस स्क्रू को खोल लेना है और इस साइड पैनल को ओपन कर लेना है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं एयर फिल्टर, एयर क्लीनर, ये कूट वाला फिल्टर है, फोम फिल्टर है। पहले के बाइक में फोम फिल्टर रहा था, अभी के बाइक में कूट फिल्टर आ रहा है, तो इसको खोल करके बाहर निकाल लेना है। और देख रहे हैं कूट फिल्टर है, इस एयर फिल्टर को क्या करना, अच्छा से क्लीन कर देना है। ये अभी खराब नहीं हुआ, बिल्कुल नया है, इसको हम एयर क्लीनर की मदद से इसको अच्छा देंगे। तो आपको क्लीन कैसे करना है इसको, ये जो आप देख रहे हैं टच कर रही है, इसको इस तरफ से इसको ऐसे क्लीन कर, इसका मैं देख रहा हूँ डस्ट निकल रहा है। पहले इसको बाहर से क्लीन कर लेना अच्छा से, फिर उसके बाद डस्ट ऐसे क्लीन कर लेना है। देख रहे कितना ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, फिर उसके बाद इसके अंदर में भी एयर का कर लेना है। यहाँ पे एयर फिल्टर को लगाने से पहले इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है इसके अंदर इस तरह से, तो उसके बाद इस फिल्टर को रख देना है इसे। तो उसके बाद ये जो कवर है इसका, इस कवर को भी इसको अच्छा से क्लीन कर, यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है। उसके बाद इसको फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देख रहे हैं इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर लगा है जो इंजन ऑयल को क्लीन करके हेड तक यहां तक इंजन ऑयल को पहुंचाता है, इंजन के अंदर छिड़काव करता है। इसके लिए आपको 8 mm का टीरिंग से खुद करके बाहर आ जाएगा, तीनों बोल्ट को आस्ते आस्ते खोल लेना है। फिर उसके बाद अब आप सोच रहे हैं इसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, इसी में से एक बोल्ट ले लेना है और इसके अंदर इसको ऐसे दबा देना है। देखिए ऑटोमेटिक ये बाहर निकल जाएगा, इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। अब जब भी यूज करें फ्रेश कपड़ा का यूज कीजिएगा, फ्रेश टावल का यूज कीजिएगा। और देखिए ये नया इंजन ऑयल फिल्टर है, TVS कंपनी का जेन्युइन पार्ट है। उसके बाद इसको इसके अंदर रख देना है इसे। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छो पंचिंग किया है, एरो का निशान लगा है, इसको नीचे की तरफ रखना है, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे फिट करना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको टाइट करना है। इंजन ऑयल चेंज करते वक्त इतना स्टेप आप फॉलो जरूर कीजिएगा, आप बाइक का सर्विस करवाए चाहे सर्विस न करवाए। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट वाला स्पोकेट का कवर है, इस कवर को भी ओपन करना है। ये गियर शिफ्टर लीवर जो है इसको खोल करके बाहर निकाल लेना है, फिर उसके बाद फ्रंट स्पोकेट कवर को ओपन कर, बोल्ट को खोल करके बाहर निकाल लेना है।
दो बोल्ट लगा है, दोनों बोल्ट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेना है, और एक बोल्ट यहाँ पे है, इसको थोड़ा निकालने में आस्ते थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस बैग में तो चेन कवर नहीं लगा है, अपाचे बैग में आप ये भी देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ओपन चेन रहता है। तो जब भी हम चेन को ल्यूब करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, रनिंग करते वक्त यहाँ पे जो चिपक जाता है धूल मिट्टी, वो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा जम गया है। जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो फ्रंट वाले स्पॉकेट कवर को अच्छा से क्लीन करवाइए। आपको क्या करना है, इसके अंदर से जो भी डस्ट है इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है। क्या है, यहाँ पे डीजल का यूज कर सकते हैं या किरासन तेल का यूज कर सकते हैं, फिर आप चाहे तो पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अच्छा से क्लीन कर लेना है इसे। चैन को भी अच्छा से आपको क्लीन कर लेना है। चैन को कैसे क्लीन करना है, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले बना रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस कवर को भी अच्छा से क्लीन कर लेना है, इसके अंदर इस पॉकेट के अंदर नया वाला इंजन ऑयल ऐसे डाल देना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, कवर को फिट कर लेना है। करना है चैन को चेकअप कर लेना, चैन ढीला है तो चैन को टाइट कर देना है। उसके बाद आपको ये तो रियर में डिस्क लगा हुआ है, जिस बैग में ड्रम लगा है, ब्रेक को चेकअप कर लेना है। डिस्क लगा है तो यहाँ पे डिस्क शू है, ब्रेक शू, डिस्क शू है, डिस्क पैड है, इसको चेकअप कर लेना है। फिर बाइक का फ्रंट का भी ब्रेक चेकअप कर लेना है, डिस्क लगा है तो डिस्क शू चेकअप कर लेना है। उसके बाद टायर में एयर चेक कर लेना है, रियर और फ्रंट रियर दोनों टायर में एयर चेक कर लेना है। नल का जो बोल्ट जो ओपन किए थे उसको हम टाइट कर लेते हैं और नया इंजन ऑयल इस बैग में डाल देते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, इंजन ऑयल का जो बोल्ट था टाइट हो चुका है, अब हम इस टिपरी को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। इंजन ऑयल चेकअप करने के लिए गिए जाए यहीं से, इंजन ऑयल हम इंजन के अंदर डालते भी हैं, इसको यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसको अच्छा से क्लीन कर देते हैं। देखिए, यह है मेरे पास वेल्वो लैंड कंपनी का 40 प्रीमियम। आप चाहे तो यह भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो TVS का भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं, इससे बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी हम इस बैक में वेल्वो लैंड का 40 प्रीमियम इंजन ऑयल इंस्टॉल करेंगे। बाइक के अंदर हमने इंजन ऑयल नया डाल दिया, इंस्टॉल कर लिए। अब आपको चलते हैं डिस्प्ले पे, बाइक का इग्निशन हम ऑन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक का सर्विस लाइट बिलिंग अभी नहीं कर रहा है, ये बिलिंग करते रहता है। इस सर्विस लाइट को कैसे रिसेट करना है, कैसे रिमूव करना है, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो पहले बना रखे हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्विस लाइट ऑफ कर सकते हैं। अभी बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं और सर्विस नहीं करवाते हैं, उस टाइम आप इतना स्टेप बाइक का जरूर फॉलो कीजिए, इससे बाइक आपका मक्खन जैसा चलेगा। बाइक के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।